भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला तीसरा टी20 मुकाबला होगा रद्द। सामने आ गई है बड़ी वजह। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला तीसरा टी20 मुकाबला क्यों किया जाएगा रद्द, बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हो टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिलहाल 3 मैचों की टी20 आई सीरीज खेली जा रही है, जिसके 2 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 4 विकेट से हराया था, तो दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला रविवार 25 सितंबर को खेला जाना है। यह मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर खेला जाएगा। यह मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि जो भी टीम इस तीसरे टी20 मुकाबले को जीतेगी अब सीरीज पर भी उसी का कब्जा हो जाएगा। ऐसे में टीम इंडिया तीसरे टी20 मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहती है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी ही सरजमी पर 2-1 से पटकनी दी जा सके। हालांकि भारतीय टीम के इस सीरीज जीतने के सपने पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला तीसरा टी20 मुकाबला रद्द किया जा सकता है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक कल हैदराबाद में 80% तक बारिश होने के आसार है, खासकर तब जब मुकाबले की शुरुआत के समय यानी कि मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा, उस वक्त 80% तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर 80% तक बारिश होती है तो ये मुकाबला हमें रद्द होता हुआ भी नजर आ सकता है। हालांकि भारतीय क्रिकेट फैंस यही दुआ करेंगे कि बारिश न हो और मुकाबला अपने तय समय पर ही शुरू हो। देखना दिलचस्प होगा कि ये मुकाबला कब शुरू होता है, साथ ही इसका नतीजा क्या होता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।